हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी टाइम एंड माय सेल्फ वेद प्रकाश। इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था, 26 नवंबर 1949 को, और कब अप्लाई किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसने क्या किया था कि जो अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन है उनके फीचर्स है उनको पढ़ा था, और पढ़ने के बाद जो उसमें क्रीम क्रीम पार्ट, मतलब अच्छा अच्छा पार्ट था, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया था। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी कुछ पॉइंट्स इसमें एड किए थे। तो इस तरीके से देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं। फॉर सम फीचर्स ऑफ इट आर बोरोड, जिसमें से कुछ जैसे लिए गए हैं उनके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है, जैसे कि फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सभी कहां से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब चलिए बात कर लेते हैं अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया गया है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस लिए गए हैं, एंड साथ ही साथ बात कर सकते हैं किसकी, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि जो डेडलॉक है उसे भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वहीं से अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर By the center, मतलब कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो सेंटर द्वारा किया जाता है। इसे किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कर्नाटक के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहीं अगर बात करते हैं आयरलैंड से, तो आयरलैंड से जो तीनों पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है डीपीएसपी, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड दूसरा है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, एंड तीसरा है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब की जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड है, प्रोसीजर है, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहीं अगर हम जापान की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट है लॉ का उसके प्रोसीजर को बताता है। चलिए बात कर लेते हैं सोवियत यूनियन की, जिसे यूएसएसआर कहा जाता था, अब रशिया कहा जाता है। तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, और साथ ही साथ जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल में जो जस्टिस के आइडियाज हैं, आइडियल्स हैं, उनको यहाँ पे लिया गया, जैसे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीनों वर्ड जो लिए गए वो कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है, जिसे अब प्रेजेंट में रशिया कहा जाता है। अब बात करते हैं अगर यूके से, यूके से देख पा रहे हैं यहाँ पे काफी चीजें ली गई हैं, जैसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम। तो ये सभी कहाँ से लिए गए, यूके मतलब ब्रिटेन से। वहीं अगर हम यूएस की बात करते हैं, मतलब की अमेरिका से, तो वहां से लिया गया फंडामेंटल राइट्स। अभी जैसे कि हम लोगों ने बात किया था यूएसएसआर से भी फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई थी, उसी तरीके से यूएस से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। फिर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, मतलब कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये भी कहाँ से लिया गया, यूएस से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वो भी यूएस से लिया गया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, एंड लास्ट हमारे यहाँ पर क्या, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी उसे भी यूएस से लिया गया है। फिर बात कर लेते हैं किसकी, जर्मनी की, तो जर्मन से लिया गया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर देश में इमरजेंसी लग जाती है उस टाइम जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका सस्पेंशन की बात करते हैं, तो वो कहां से लिया गया है, जर्मन से लिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है, जिसे प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते हैं उनके प्रोसीजर की कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। वहीं अगर बात करते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं उनके मेंबर्स कितने होंगे, ये सभी कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। एंड लास्ट यहां पर आता है फ्रांस, तो फ्रांस से लिया गया है रिपब्लिक, मतलब कि जो हमारा रिपब्लिक टर्म यूज होता है हमारे इंडिया में, वो फ्रांस से लिया गया है। एंड लास्ट यहां पर क्या, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्नेटी इन द प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल में ये तीनों वर्ड यूज हुए, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्नेटी, ये तीनों कहां से लिया गया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस तरीके से टोटल 10 कंट्रीज से कुछ फीचर्स को लिया गया है, और एक कुछ फीचर लिए गए हैं किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से। चलिए बात कर लेते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हम सभी जानते हैं कि जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थे एंड टोटल 22 पार्ट्स थे। बट प्रेजेंट टाइम में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल कह सकते हैं, बट ओवरऑल बताया जाए तो जो प्रेजेंट टाइम में इस वीडियो के बनने तक का है जो 470 आर्टिकल है, एंड जो 8 शेड्यूल थे वो बढ़ करके 12 शेड्यूल हो गए हैं, और जो 22 पार्ट थे वो बढ़ करके 25 पार्ट्स हो गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं
12 शेड्यूल्स के बारे में, तो सबसे पहले आता है यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल जिसमें लिस्ट ऑफ स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। फिर आता है सेकंड शेड्यूल जिसमें लिस्ट ऑफ सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस प्रेसिडेंट जज एंड कैग, इन सभी की सैलरी को मेंशन किया गया है। थर्ड शेड्यूल में फॉर्म ऑफ ओथ, मतलब कि जो ओथ दिलाने का काम, उन्हें हटाने का काम, चाहे वो कोई भी ऑफिशियल हो या फिर बात कर लें जज की, तो ये सभी किसमें आते हैं, थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ सीट इन दी राज्यसभा, जो हमारा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा, उसमें सीट के एलोकेशन कितने नंबर ऑफ सीट रहेंगे, इसको लेकर के फोर्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है। फिर आता है फिफ्थ शेड्यूल जिसमें प्रोविजन एज दी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल दी शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें शेड्यूल जो एरिया है उनको कंट्रोल करने की बात हो रही है, साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी बात हो रही है। चलिए बात करते हैं सिक्स शेड्यूल की, जिसमें प्रोविजन एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम, जो असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम में ट्राइब्स रहते हैं उनके प्रोविजन की बात यहाँ पे की गई है। अब बात कर लेते हैं सेवन शेड्यूल की, तो ये है हमारा क्या, द यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एट शेड्यूल में लैंग्वेज को लेकर के मेंशन किया गया कि हमारे देश में कितनी लैंग्वेज होंगी, किस स्टेट की कैसी लैंग्वेज क्या होगी, उसको एट शेड्यूल में बताया गया है। फिर बात करते हैं नाइन्थ शेड्यूल की, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, तो जितने भी एक्ट एंड रेगुलेशन है उनके बारे में नाइन्थ शेड्यूल में बताया गया। टेंथ शेड्यूल में आता है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। चलिए बात कर लेते हैं इलेवेंथ शेड्यूल के, जिसमें पंचायत राज को मेंशन किया गया। एंड वहीं पर अगर हम ट्वेल्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर आते हैं, म्यूनसिपैलिटीज को बताता है। तो ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं जो इलेवेंथ शेड्यूल है वो गाँव के लिए है और जो ट्वेल्थ शेड्यूल है वो शहरों के लिए है। चलिए बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की, तो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा हु अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, और आज का हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्स इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 5, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 6, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 7, ऑप्शन नंबर 4 इज 8। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज देना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।